अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान मुल्तानी। इस वीडियो में मैं एक हैरत अंगेज बात आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ हूँ। एक क्लाइंट के लिए मैं कुछ प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, या एक प्रोजेक्ट पर मैं एक्चुअली काम कर रहा था, और क्लाइंट की डिमांड थी कि मैं उसके लिए जेक्यूरी यूज़ करूँ, जो कि उसने डिमांड जब दी तो एक्चुअली प्रोजेक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। तो मैंने उसको बोला कि यार, जो भी आपका प्रोजेक्ट है ये रिएक्ट पर बनने वाला है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर रिएक्ट यूज़ हो रही है और जेक्यूरी काफ़ी ऑब्सोलीट हो गई है तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन क्लाइंट ने उस टाइम अल्लाह जाने उसको नहीं समझ आई या मुझे समझ नहीं आई। मैं उस पर काम करता रहा और मैंने तकरीबन 2-3 महीने लगा कर जब मैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया और जब मैंने उसको डिलीवर किया तो उसने कहा कि जी आपने क्या कर दिया, आपको तो जो है वो मैंने कहा था जेक्यूरी पर बनाना है और रिएक्ट जेएस तो बिल्कुल शिट चीज़ है और ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ ही नहीं होती। तो ये मेरे लिए ना थोड़ी सी बड़ी एक मतलब अजीब सी चीज़ थी कि रिएक्ट इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है और इतनी मतलब अच्छे खासे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ हो रही है, लेकिन पता नहीं उस क्लाइंट को क्या है। तो आप लोगों के मैं बेसिकली नसीहत करना चाह रहा हूँ कि क्लाइंट को सही तरह बताएं, झंझोड़ के उसको कि भाई चाहते क्या हो तुम, अरे क्या ना क्या चाहते हो, ताकि आपको भी ना ये प्रॉब्लम ना आए। शुक्रिया।